रियल नंबर्स के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स हैं क्या। ओके, रियल नंबर्स वो हैं जो ऑल इंटीजर्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जिसमें सारे इंटीजर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, टू -5, -5, 4.3, 2.3 एंड ऑल्सो 5। ये नेगेटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल एंड पॉजिटिव इंटीजर्स में एक्सेप्ट करता है। इन ये सभी ये जो इंटीजर्स हैं इसमें आते हैं। ऑल इंटीजर्स आर एक्सेप्टिंग इस कॉल्ड रियल नंबर। ओके, चलिए अब हम हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। हमने इस रियल नंबर के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, मैंने एक क्वेश्चन है उठा लिया है कि 2√3 इज इरेशनल नंबर, कि प्रूफ करो जो 3 है इरेशनल नंबर है। ओके, पहले आपने सपोज कर लेना है, ठीक है। इसका PDF है जो आपको मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपने लिख लेना है कि सब दिया होगा कि इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करो। हमने उसको पहले सपोज कर लेना है कि एक रैशनल नंबर, हमने पूरा सपोज कर लेना कि एक रैशनल नंबर है और इसको हमने इरेशनल में प्रूफ करना है। ओके, एंड फिर हम कोई भी दो अल्फाबेट या इंग्लिश के वेरिएबल्स उठा लेंगे। ओके, मैंने RQ उठा लिया है, आप कोई भी उठा सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। ओके, फिर हम लिखते हैं कि R एंड Q सम पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने ये लिख लेना है R एंड Q सम पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड Q को मैंने नॉट इक्वल टू 0 रख दिया। आप किसी को भी मतलब R को या Q को नॉट इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ये मैं आपके देखिए, आपने ना मतलब ऐसे लिख लेना है, पहले √3 को इक्वल टू R एंड अपॉन Q के इक्वल रख लेना है। ओके, फिर आपने करना क्या है, क्यू को इधर ले जाना है, ठीक है। क्यू को इधर ले जाइए, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आ गया √3Q = 2R। ओके, ये ऐसा आ गया है। ओके, देखिए फिर हमने करना क्या है ना, ये लिखकर हमने कर फिर स्केयरिंग बोथ साइड, हमने फिर दोनों साइड है जो स्केयर कर देना है इन दोनों साइड, ठीक है। मैंने जैसे स्केयर कर दिया √3Q² फिर जो √3 पर स्केयर है क्यू पर भी स्केयर है, ये स्केयर स्केयर कैंसिल और क्यू पर स्केयर है तो इसकी क्यू स्केयर। ओके, 3Q² = 2R² ओके, कि जो 3Q² है R = 2R² कि जो R² है ये R² हो या R हो, ये 3Q² को डिवाइड करेगा ही करेगा। ओके, ये हमने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है, कि R² डिवाइड ऑल्सो Q² एंड R ऑल्सो डिवाइड Q² मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने लेटर द क्यू इस 1, हमने क्यू को 1 ले लेना है कि क्यू एक 1 के इक्वल है। ओके, 10 बाय पुट क्यू इक्वल टू 1 इन फर्स्ट 10। वन दस केयर 1 सी आ गया और यहाँ पर आर स्केयर है, तो स्केयर है इधर जाकर √3 बन जाएगा। ओके, अब आप देख सकते हैं हमने प्रूफ करना क्या, हमें प्रूफ करना क्या था, हमने √3 को इरेशनल प्रूफ करना था, पर ये हुआ क्या, हमने तो माना हुआ है कि √3 है जो रैशनल नंबर है, हाँ, कि ये क्या हो गया। अब आपने करना क्या है, आपने लिख लेना है अवर सपोजिशन, आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, ये मैंने अपनी ओर से लिखा है, आप अपनी ओर से भी लिख सकते हैं, बस आपका जो मेथड है वो सही होना चाहिए।
our position is known, so number. ओके आपने ये लिख लेना है, ठीक है, लिख देना आपने। आगे हम आप पार्ट करते हैं, हमारे पास एक और समय ये नहीं था। रूट फाइव प्लस फाइव, इसको हम इरेशनल प्रूफ करना है। पहले हम लिख लेंगे सपोज दैट रूट फाइव प्लस फाइव इज अ रैशनल नंबर। ओके बट ये याद रखिए कि हमारे पास है जो रूट फाइव है जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर है दिया हुआ है कि रूट फाइव है जो इरेशनल नंबर है। ओके ये हमें दिया हुआ है, पर फाइव पर रूट फाइव प्लस फाइव को हमने इरेशनल प्रूफ करना है। हमें रूट फाइव को तो दिया हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। ओके पर हम फिर भी रूट फाइव प्लस फाइव को सपोज करेंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके वैसे आपने लिख लेना है सम क्यू एंड आर पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स देखें कि मैंने किया क्या, मैंने फाइव को माइनस में लिया है मैं इधर, ठीक है, और एलसीएम ले लिया मैंने। आपने अगर आपके पास कोई भी ऐसे समय आए ना तो आपने सिर्फ जो रैशनल नंबर है इसको माइनस इधर ले आना है, राइट हैंड साइड पर ले आना है, फिर आपने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम फाइव क्यू आर माइनस फाइव क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू आर फाइव रूट आर फाइव। ओके अब आप देखें कि हमें इसमें से कुछ गिवन था, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है कि रूट फाइव है जो वो इरेशनल नंबर है। ओके देन इससे क्या प्रूफ होता है, इससे प्रूफ होता है कि अगर हमारे पास जो रूट फाइव है वो इरेशनल है देन फिर ये है जो ये भी इरेशनल होगी, ये दोनों है बहुत हार इरेशनल देन। ओके अब हम देखेंगे अवर पोजिशन इज लॉन्ग नाउ रूट फाइव प्लस फाइव इज इरेशनल नंबर बिकॉज रूट फाइव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आर माइनस फाइव क्यू अपॉन क्यू। फॉर दिस रीजन रूट फाइव प्लस फाइव इज अ इरेशनल नंबर। ओके ये बिल्कुल आसान है, पीडीएफ मैंने दिया हुआ है, आप चाहकर देख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं या अपनी ओर से भी लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।